छोटी छोटी बातों का हमारी सरकार ने ध्यान रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी हासिल किए हुए एक लंबा समय हम लोगों को गुजर गया, भारत की हालत ऐसी हो गई थी, हम खिलौने भी दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे, हम खिलौने भी भारत में नहीं बना सकते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी बहनों भाइयों, खिलौने जितने पहले आयात होते थे, जो बच्चे खिलौने खेलते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, अब उसमें भारी कमी आई है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत के बच्चों को खेलने के लिए खिलौने अब दुनिया के दूसरे देशों से नहीं आएंगे बल्कि भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, और ये काम करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। और दुनिया के दूसरे देशों को हम खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा संकट आजादी हासिल होने के बाद जो सरकारें ली, उन सरकारों के कामकाज के कारण जो पैदा हुआ और देश की जनता भी उसके कारण त्रस्त हुई है, वो भ्रष्टाचार का संकट। शायद ही कांग्रेस की कोई ऐसी सरकार रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, शायद ही कोई ऐसी नहीं। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाना, क्या यह सच नहीं है कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यह सरकार काम कर रही है? भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति बोली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है, बस ये कल्पना नहीं कर सकता। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, मैंने प्यार किया, और उस फिल्म में सलमान थे और नायिका कौन थी वो तो मैंने नहीं देखा था, आप जानते होंगे बच्चे, देखा था एक गाना था तू चल मैं आई, एक गाना था तू चल मैं आई, ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है ए कांग्रेस तू चल फिर मैं आई, आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंच गया, ये हालत है। और कांग्रेस तो सारे देश में समाप्त हो गई है। आपने देखा कि जिस कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी राजनीतिक पार्टी की थी तो कांग्रेस की थी, लेकिन अब कांग्रेस समाप्त हो रही है। गिने चुने 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें रह गई हैं, छोटे छोटे राज्य, यह हालत हो गई। मैं कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों होगा, मैंने भाइयों बैठे इस नतीजे पर पहुंचता हूं। क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौजवान बताएं क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। और यही कारण है कि बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब आगे नहीं कहूंगा। लेकिन बहनों भाइयों, 10 वर्षों तक जो हम लोगों ने काम किया है यही मैं कहना चाहूंगा। अभी तो विकास और सुशासन का आपने ट्रेजर देखा है, बोलचाल की भाषा में मैं जानता हूं मध्य प्रदेश उत्तर में लोगों ने, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं हमने टेलर देखा है। मैं आज कहना चाहता हूं कि अभी आपकी बोलचाल की भाषा में टेलर है, उसे ट्रेजर बोलते हैं। 10 साल में विकास और सुशासन का आपने टेलर देखा है, प्रतीक्षा करिए, अभी पूरा सिनेमा बाकी है बहनों भाइयों, जब भारत विश्व गुरु के पद पर आएगा। आपका समर्थन चाहिए। आप ये कहेंगे कि आप लोगों ने क्या कर दिया, का क्या कर दिया कि आपको समर्थन दिया जाना चाहिए। 10 वर्षों का मोदी जी का जो गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहनों भाइयों,
वह शानदार है। कोई माकालाल हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर तवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारी सरकार के बारे में यह पक्का भरोसा हो गया है, सरकार में बैठे हुए लोग जो बोलेंगे वही करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है, और मैं अपने डॉक्टर राजेश मिश्रा से भी कहूंगा, जनता से वादे मत करना, जनता का आशीर्वाद लेना। जनता हमको आशीर्वाद दे, मेरे अंदर वह शक्ति और सामर्थ्य पैदा हो ताकि जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं खरा उतर सकूं। वादे नहीं करने चाहिए, इसके कारण विश्वास का संकट पैदा होता है। आपने देखा होगा 70-71 वर्षों के इतिहास में बराबर कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे कर दिए, शायद आंशिक रूप से भी अपने वादों को कांग्रेस ने पूरा कर दिया होगा, आज के कई वर्षों पहले भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया होगा। 10 वर्षों के अंदर हमने पूरा किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया। क्या दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21वीं सदी किसी की होने जा रही है, तो हमारे और आपके भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं। सरकार ऐसे चलाई जाती है, बैठ जाइए, अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी। लोगों की धारणा बन गई थी नेता कभी सच नहीं बोलते, नेता कहते कुछ है करते कुछ है। नेताओं की खतनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति पे विश्वास का संकट पैदा हो गया। नेता का मतलब कि झूठ बोलने वाला। आज के कुछ वर्षों पहले एक धारणा बन गई, लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को किसी ने सीना चौड़ा करके चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेता मोदी जी ने स्वीकार किया। अब मैं यहां पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं, और मैं अपने प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारे सारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए कि हमने जो कहा है वह किया है कि नहीं किया। मुझे याद है 1984 से हम कहते चले आ रहे हैं, एक दिन वह आएगा जब हमारी यहां सरकार बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे भाजपा वाले बराबर कहते हैं, राम लगा हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह आरोप लगाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, आप हमसे तारीख पूछ रहे थे, 22 जनवरी गुजर गई और हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। रामलला अपनी कुटिया से निकलकर बहनों भाइयों राजमहल में पहुंच चुके हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है राम राज्य आने का यह शुभ संकेत अयोध्या की धरती से जा चुका है। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 हम समाप्त करेंगे जब हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। संसद के दोनों सदनों में जब हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया, क्षण भर की देर नहीं लगाई मेरे बहन भाइयों, चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम कहते थे 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे, लोग ये कहते थे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। बहनों भाइयों, इस 3 तलाक की प्रथा समाप्त करने के कारण लोग हमको सांप्रदायिक कहते हैं, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म की मानने वाली मां बहन हो, और हमारे लिए मां बहन के समान है। चाहे किसी धर्म की मां बहन होगी, यदि उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, उसके अस्तित्व के साथ यदि खिलवाड़ होगा, राजनीति जाए भाड़ में, सरकार बने या न बने, भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर उन बहनों के साथ खड़ी है।
हर चीज को जाति पंथ और मजहब के नजरिए से देखा जाएगा। मेरे बहने भाइयों, राजनीति जाति पंथ और मजहब के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, राजनीति नहीं की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर की जानी चाहिए। राजनीति का आधार तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, हम क्या कर देंगे तो फला खुश हो जाएंगे और उनका वोट हमको मिल जाएगा। हम केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, भारत माता का मस्तक ऊंचा करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। जो हम लोगों ने कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा का यहां तक सवाल है। क्या हालत थे, किसी न किसी राज्य में आपको आतंकवादी घटनाएं, बड़ी आतंकवादी घटनाएं की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से प्राप्त होती थी। आज क्या हालत है, सुना है देश के किसी राज्य में आतंकवादी वारदात? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। बहनों भाइयों, वैसे पड़ोसी देशों के साथ अपने अच्छे रिश्ते हम बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। हम लोग इसको मानने वाले थे, लेकिन यदि कोई योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में आतंकवाद का बढ़ावा देने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहनों भाइयों, इसमें रंच मात्र में उनका कोशिश, हमने करके दिखा दिया है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है, यह करके हमने दिखा दिया। हमारी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा से लेकर रेहड़ी पटरी वालों, गरीबों की हमने चिंता की है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की भी चिंता की है लेकिन अपने पटरी पर, रेहड़ी पटरी काम करने वाले लोगों की भी चिंता की है। पीएम स्वनिधि के माध्यम से, योजना के माध्यम से बहनों भाइयों, मोबाइल से उनको बैंक से सीधा कर्ज मुहैया करा रहे हैं और हमारे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले यह सब मेरे भाई बहन कितने ईमानदार हैं कि एक एक पाई वस्तु ऐसे वादा भी कर देते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। क्या कभी इसने कल्पना की थी,